Hi guys, this is Rati and you are studying nursing with me. Guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी साइंस. सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी के अंदर. गाइस, जैसे कि किसी भी अदर डिजीज या डिसऑर्डर में हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखकर ये अज्यूम करते हैं या फिर कंफर्म करते हैं कि यस, इन साइंस के बेसिस पे इस पेशेंट को या इस क्लाइंट को ये डिजीज हो सकती है. उसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी कुछ साइंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, के बेसिस पर हम ये कंफर्म करते हैं कि यस, दीज आर द साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी साइंस को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है गाइस. सबसे पहले है प्रिजम्प्टिव, देन है प्रोबेबल एंड देन पॉजिटिव और कंफर्म साइन. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है हम उसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे. यहाँ पर है प्रिजम्प्टिव. प्रिजम्प्टिव का मतलब है अनुमानित. अनुमान लगा रहे हैं हम इन साइंस के बेसिस पर कि ये प्रेगनेंसी हो सकती है. तो जो फर्स्ट साइन है एमिनोरिया. एमिनोरिया होता है गाइस सीजेशन और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. गाइस, ये जो एमिनोरिया का साइन आएगा वो होगा 6 to 8 weeks का जो पीरियड होगा उसमें ये साइन शो होगा. तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नोट है गाइस, आप नोट कर लीजिए कि एमिनोरिया कब होगा, 6 to 8 week के ड्यूरेशन में. एग्जाम्स में एमिनोरिया से रिलेटेड ये वीक ही पूछे जाते हैं गाइस, ये इम्पोर्टेंट है. एमिनोरिया क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि जब कंसीव होता है बेबी तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यूट्रस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई और भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यही इसका रीज़न है गाइस. नेक्स्ट जो साइन है वो है नोजिया और वॉमिटिंग, या फिर इसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कह सकते हैं गाइस. ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये आपको प्राइमिंग ग्रेविडा में ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपेयर ऑफ मल्टी ग्रेविडा. मॉर्निंग सिकनेस का जो साइन है ये जस्ट आपको पीरियड के मिस होने के बाद ही शो होने लगता है और थर्ड मंथ तक ये रेयरली एक्सटेंड करता है गाइस. उससे पहले ही ये जो साइन है वो दिखना बंद हो जाता है, मीन्स जो नोजिया एंड वॉमिटिंग है वो डिसअपियर हो जाते हैं. इसका जो रेंज है वो 6 to 8 week का ही है. और इस तरह की जो नोजिया एंड वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस होती है उससे लेडी की जो हेल्थ है उस पर इतना अफेक्ट नहीं होता है जितना कि नॉर्मल नोजिया एंड वॉमिटिंग से होता है. नेक्स्ट साइन है फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड ब्रेस्ट. गाइस, ये जो साइन है वो प्राइमरी ग्रेविडा में प्रोमिनेंटली आपको शो होगा, उसमें ज़्यादा दिखाई देगा. ये 6 to 8 week में अपियर होता है गाइस. ये रीज़न है वो यही है कि यहाँ भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से ब्रेस्ट में ग्रोथ हो रही है गाइस. वो प्रिपेयर हो रहे हैं नेक्स्ट बेबी की फीडिंग के लिए, साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट साइन है प्रोनाउंस्ड निप्पल. निप्पल्स जो हैं वो और भी इरेक्ट पोजीशन में हो जाएंगे गाइस, क्योंकि जो ब्रेस्ट है वो साइज में इंक्रीज हो रहे हैं. इस वजह से जो निप्पल वाला पोर्शन है वो इरेक्ट हो जाएगा और मोर प्रोमिनेंटली वो विजुअलाइज होगा. नेक्स्ट पॉइंट है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी. गाइस, ये जो साइन है फ्रिक्वेंसी जो है वो किस वजह से बढ़ जाती है? फ्रिक्वेंसी इसी वजह से बढ़ती है कि यूट्रस जो है वो ब्लैडर को प्रेस करने लगता है, इस वजह से ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है. और दूसरा रीज़न है कि मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन में चेंज हो जाता है गाइस, इसी वजह से ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा ही यूरिन फॉर्म होता है. बट ये जो साइन है आफ्टर 12 week डिस अपियर हो जाता है, क्योंकि यूट्रस का जो पोजीशन है वो स्ट्रेटन अप हो जाता है आफ्टर 12 week.
इस वजह से ये जो साइन है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। फटीग यानी थकान। गाइस ये एक कॉमन सा साइन है, जब भी प्रेगनेंसी होगी तो लेडी को थकान महसूस होती है और ये अर्ली प्रेगनेंसी में आपको शो होगा गाइस। और फटीग का जो मेन रीज़न है यही है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दूसरा जो नॉर्मल रूटीन है वो इंटरप्ट हो रहा है गाइस, इस वजह से ये साइन आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में है क्विकनिंग। क्विकनिंग मीन्स है कि जो फीटल मूवमेंट होता है उसका परसेप्शन या उसका जो फीलिंग होता है वो मदर को होता है 16 to 18 week ऑफ जेस्टेशन पर। ये मल्टी पैरा जो वुमन है उनमें ये 16 week पर भी फील हो सकता है, बट जो इसका ड्यूरेशन है वो 16 to 18 weeks है गाइस। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्विकनिंग, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसे याद रखिए। तो ये सारे जो साइंस थे वो प्रिजम्पटिव साइंस के अंदर इंक्लूड होते हैं गाइस। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।